हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, और चैप्टर 10 है हमारा एयर एंड वाटर। एयर और वाटर के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर मेटियोराइट्स बर्न अप। देखिए, जैसे कोई मेटियोराइट आपकी आ रही है अर्थ पे, तो वो किस लेयर में जाके बर्न हो जाती है? तो वो है आपका मीजोस्फियर। क्या है? मीजोस्फियर। और देखिए, जो स्ट्रेटोस्फियर आपका होता है, ये सेकेंड लेयर होती है। और इसी स्ट्रेटोस्फियर में आपके क्या करते हैं, जो एरोप्लेन होते हैं वो इसी में मूव करते हैं। ट्रोपोस्फीयर आपकी फर्स्ट लेयर होती है, और जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जो बादल होते हैं, वो आपके कहाँ पे होते हैं? ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। थर्मोस्फीयर आपकी फोर्थ लेयर होती है, और थर्ड लेयर आपकी होती है मीजोस्फीयर। अगला है आपका, इसके बाद है आयनोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर आपका आ जाता है। द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर की जो एवरेज हाइट है वो आपकी कितनी है? तो वो है आपकी 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए। और आपका जो 50 किलोमीटर है, ये लगभग किसका होता है? ओजोन, या ये आपका होता है स्ट्रेटोस्फीयर का, स्ट्रेटोस्फीयर। अगला, और इसी स्ट्रेटोस्फीयर में आपका क्या होती है? ओजोन लेयर होती है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है। किसके? सन के। अगला है थर्ड नंबर, विच लेयर इज द ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ सुटेबल फ्लाइंग एरोप्लेन्स। तो अभी मैंने आपको बताया, तो ये है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। क्यों? क्योंकि ये जो आपका होता है, ये फ्री फ्रॉम क्लाउड्स होता है, क्लाउड से बाहर होता है, क्लाउड्स इसमें नहीं होते। और इसका जो टेम्परेचर होता है, वो भी आपका सेम होता है। द प्रेशर ऑफ द एयर एज वी मूव अप लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर। तो देखिए, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जो हमारा एटमोस्फेयरिक प्रेशर होता है, वो क्या होता है? वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। ऊपर जाने पे एटमोस्फेयरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। और सबसे हाईएस्ट कहाँ पे? तो क्वेश्चन ये पूछ ले कि हाईएस्ट आपका जो है वो कहाँ पे होता है? तो होता है सी के लेवल पे, सी लेवल पे हाईएस्ट आपका होता है। क्या? प्रेशर। इस प्रेसिपिटेशन विच कम्स डाउन टू अर्थ इन द सॉलिड फॉर्म। तो प्रेसिपिटेशन जो है वो आपका अर्थ पे किस फॉर्म में आता है? तो आता है आपका स्नो के फॉर्म में। इसका आंसर हो जाएगा बी, बर्फ के फॉर्म में। द सैलिनिटी ऑफ डेड सी, तो जो डेड सी है हमारा, ठीक है, उसमें कितने ग्राम पर लीटर वाटर आपका सैलिनिटी है, साल्ट है? तो वो है 340 ग्राम। कितना है? 340 ग्राम। अगला है, व्हेन वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका नाम है आपका 22 मार्च। 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 मई को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। चलिए, और 2 जून को हम क्या मनाते हैं? तेलंगाना स्टेट डे मनाते हैं, तेलंगाना स्टेट डे मनाते हैं। और देखिए, एक और डे है 5 जून। 5 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, तो ये ठीक है। हाई टाइड्स हेल्प इन फिशिंग, फिशिंग में भी हेल्प करता है। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, जो राइज और फॉल होता है वाटर का, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा सी। तो इसमें सभी सही है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है टाइड्स की वजह से, उसे हम कहते हैं टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी। अगला, 9 नंबर, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ विंड। तो जो विंड्स हैं, ठीक है, ये जो आपकी चलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं लोकल विंड्स। क्या कहते हैं? लोकल विंड्स। अगला है 10 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ रेनफॉल वुड यू फाइंड इन इक्वेटोरियल रीजन। तो देखिए, इक्वेटोरियल रीजन में जो बारिश होती है, उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शनल। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल, ठीक है, हिंदी में संवहनीय कहते हैं। और जो बारिश होती है आपकी पहाड़ों पे, ठीक है ना, पहाड़ों पे जो बारिश होती है, उसे हम कहते हैं ओरोग्राफिक। क्या बोलते हैं? ओरोग्राफिक। पहाड़ों पे, पहाड़ों पर होने वाली बारिश, लिख देता हूँ, होने वाली बारिश को हम क्या कहते हैं? ओरोग्राफिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव ए वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। देखिए, जब आप देखते हैं कि जेट प्लेन जो है वो जब चलता है, तो उसके पीछे एक वाइट कलर की एक पट्टी दिखती है आपको, वो किस वजह से ये ट्रेल बनती है, किस प्रोसेस की वजह से बनती है? तो वो बनती है कंडेंसेशन की वजह से। किसकी वजह से होती है? कंडेंसेशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 12, द टोटल मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ मास इज नोन एज। तो देखिए, टोटल मास
जो वाटर वेपर का है वो प्रेजेंट है आपका वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ एयर से, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब आपका आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम किसे कहते हैं, तो हम किसे कहते हैं, वेपर प्रेशर अपॉन सेचुरेशन वेपर प्रेशर, सेचुरेशन वेपर प्रेशर इंटू 100। यही होता है आपका फॉर्मूला रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। अगला है 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन देखिए, स्नो, हेल, स्लीट, जैसे ओला गिरता है, हेल, इसमें बर्फ गिरते हैं, तो ये सभी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइड्स अकर ड्यूरिंग फुल मून। फुल मून जब आपका होता है तो किस प्रकार के टाइड्स आते हैं, तो स्प्रिंग टाइड्स आते हैं, तो इसका आंसर बनेगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग है द मैक्सिमम फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। तो अर्थ पे जो फ्रेश वाटर है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो आइस कैप्स यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं हमारे, वहाँ पे ये स्टोर है। और देखिए यहाँ पे जितने भी आइस कैप्स हैं वो 2% ऑफ क्या है, फ्रेश वाटर, 2% फ्रेश वाटर। एस्टरलीज आर एग्जाम्पल्स होते हैं। एस्टरलीज क्या होती है, एस्टरलीज, तो एस्टरलीज आपकी होती है परमानेंट विंड्स। क्या होती है? परमानेंट विंड्स। इसका आंसर हो जाएगा बी। द अपर पार्ट ऑफ सी वेव, तो सी वेव का जो अपर पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। जो सी वेव होता है, सी वेव के अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। और थ्रू किसे बोलते हैं, लोअर पार्ट को, ध्यान रखिएगा लोअर पार्ट। अगला 18 नंबर, सेलेक्ट ऑड वन आउट ऑफ द बेसिस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट। तो यहाँ पे देखिए, जो ब्राजील की करंट है, एगुल हाउस की करंट है, और गल्फ है, तो ये तीनों आपकी क्या है, ये तीनों आपकी हैं हॉट करंट, हॉट करंट, ठीक है। और जो पेरू है ये आपका क्या है, कोल्ड करंट। कोल्ड करंट का मतलब क्या होता है, ये ठंडी जलधारा है, पानी बहता है ना, तो उसी को करंट कहते हैं, पानी बहने को समुद्रों में। तो जो पेरू का है ये आपका क्या है, ये आपका कोल्ड है, ठीक है। बाकी ब्राजील, एगुल हास और गल्फ स्ट्रीम में आपके कैसे हैं, ये आपके हॉट है। वाई टेम्परेचर इन सिटीज मच हायर देन विलेज। तो टेम्परेचर जो शहरों का टेम्परेचर है वो विलेज के टेम्परेचर से ज्यादा क्यों है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग। देखिए जो बिल्डिंग्स ज्यादा होती हैं शहरों में, तो जो मेटल्स होते हैं बिल्डिंग्स में, ये दिन में क्या होते हैं, हीट होते हैं, उस पे गर्मी पड़ती है, हीट होते हैं, और रात में ये हीट को रिलीज करते हैं, इसी वजह से जो टेम्परेचर होता है यहाँ का शहरों का वो ज्यादा होता है। अगला है 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज ओजोन। ओजोन क्या होता है, तो ये आपको मैंने पहले बताया कि स्ट्रेटोस्फीयर में तो ओजोन का फार्मूला होता है O3। क्या होता है? O3। और ये हमको किससे बचाती है, अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है। अब देखिए अल्ट्रा वायलेट रेस 3 तरीके की होती है, अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट सी। तो इसमें सबसे खतरनाक कौन सी है, अल्ट्रा वायलेट सी है। और देखिए ओजोन लेयर अगर ना हो तो हमें, अगर सन की लाइट हमारे स्किन पड़ेगी तो हमारी स्किन बर्न हो जाएगी या हमें स्किन कैंसर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विच आर द फॉलोइंग कॉलम सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वेस्टर्लीज क्या है आपकी, अभी आपने पढ़ा था, तो ये आपकी परमानेंट विंड्स, तो हो जाएगा 4 नंबर, 4 नंबर। लू क्या है, लू आपका लोकल विंड है, तो जाएगा सॉरी यहाँ पे 3rd नंबर होगा, 3rd नंबर, ये 4 नंबर। एटमॉस्फेरिक आपका किससे हम नापते हैं, बैरोमीटर से। बैरोमीटर की खोज किसने की थी, ई टोरेसली ने। किसने की थी, ई टोरेसली ने। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर हमको डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, तो जाएगा 2nd नंबर, 3412। 3412 आपका कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में, 3412। अगला, अब देखिए अमेजॉन रिवर आपकी कहाँ पे, तो अमेजॉन रिवर है आपकी साउथ अमेरिका में, हो जाएगा 4 नंबर। कॉन्गो रिवर आपकी कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है, 3rd नंबर। लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर आपकी कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में, हो जाएगा 1st नंबर पे। ब्लैक सी, ब्लैक सी आपका कहाँ पे है, तो ये है आपका यूरोप में, ये हो जाएगा 2nd नंबर। अब यहाँ पे 4312, 4312 आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 23 नंबर, द नेम ऑफ सम ओशन करेंट्स इन ए गिवन बॉक्स आइडेंटिफाई वार्म ओशन करेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें वार्म आपको चेक करना है कि कौन कौन से वार्म है। तो देखिए, तो गर्म जलधाराएं कौन कौन सी, ये आपको बताना है। तो क्योंकि क्यूरोशियो, अगुलहास, अगुलहास तो अभी आपने पढ़ा था, ठीक है।
उसके बाद नॉर्थ अटलांट अलास्का, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, ये सभी क्या है आपके गर्म है, ठीक है, गर्म पूछा था तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और बाकी जिन पे मैंने राउंड कर रखा हूँ, ओआशियो, कैनरीज, लेब्राडोर और फॉकलैंड, ये सब क्या है आपके, ये आपके क्या है, कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ट्रू फॉल्स बताना है। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज फिक्स, क्या जितना भी पानी अर्थ पे है वो आपका फिक्स है। हाँ क्यों फिक्स है, क्योंकि वाटर साइकिल चलती है, तो इस वाटर साइकिल की वजह से जो भी वाटर है वो हमेशा फिक्स रहता है। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हैज नो बिगनिंग और एंड, तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है, क्योंकि ना तो इसका कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है। द हाइएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन द ग्राउंड वाटर, तो ये फॉल्स है, तो हाइएस्ट सैलिनिटी आपको कहाँ पे मिलता है, ओशियंस में मिलता है। अगला है यहाँ पे, द हाई टाइड्स अकर न्यू मून डे, तो हाई टाइड्स से आपका न्यू मून डे, तो ये भी आपका ट्रू है, तो इसमें आंसर बनेगा ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर, सेलेक्ट द ऑप्शन करेंटली शो द डिक्रीजिंग ऑर्डर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अर्थ, सबसे ज्यादा पानी आपको यहाँ पे ओशियन में, फिर उसके बाद आइस कैप जो ग्लेशियर्स हैं, फिर ग्राउंड वाटर और लेक एंड रिवर। देखिए आपके घरों में जो पानी आता है ना वो ग्राउंड वाटर से पानी आता है, ये ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। और फाइनली यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और ये देखिए एक्चुअल में है क्या ना कि अभी यूट्यूब से रेगुलर पेमेंट्स मुझे नहीं मिलती, दो दो तीन तीन महीने में मिलती हैं, और तो अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं, पढ़ाई अच्छी लगती है, तो आप यहाँ पे स्कैन करके हेल्प कर सकते हैं मेरी, ठीक है। जैसे ही रेगुलर पेमेंट्स हो जाती हैं मंथली, उसके बाद फिर मैं ये बंद कर दूंगा, तो यहाँ पे अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं फाइनली, और अगर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।